मेरा नाम तनु है एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू वेमेन वी आर ऑलरेडी द क्रिएशन ऑफ गॉड. वी आर हैंडलिंग सो मच ऑन डेली बेसिस और फिर भी लोग हमसे हमेशा सरप्राइज रहते हैं कि हम इतने सारे काम एक झटके में कैसे कर लेते हैं. दैट्स आवर सुपर पावर. और उस सुपर पावर को मेंटेन करने के लिए कुछ सुपर टूल्स की भी जरूरत हमेशा पड़ती ही है, मानो या ना मानो. सो देयर इज अ सुपर टूल दैट आई हैव गॉट होल्ड ऑफ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिक, वेरी वेरी डिफरेंट आई वुड से. सो ऐसा यू नो मैंने पढ़ा भी था कहीं कि वेमेन सफर मोस्टली बिकॉज ऑफ द डिजीजेज दैट आर देयर इन आर इंटीमेट एरिया. उसकी वजह से एक लेडी, एक वेमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. सो यू नो इट बिकम्स मैंडेटरी टू टेक केयर ऑफ आर इंटीमेट एरिया. तो उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यार. सो दिस इज मेडी ओजो ओजोनेटेड ऑलिव ऑयल वाई जोन परफ्यूम. सो इट सेज अ न्यू फ्रेग्रेंस, अ न्यू यू. नाउ बहुत सारे वजाइनल वॉश आई एम श्योर पास्ट में आपने भी यूज़ किए होंगे. मैंने तो बहुत ही ज़्यादा किया है बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि सिर्फ यू नो व्हेन टेकिंग केयर सो यू शुड नॉट बी जस्ट थिंकिंग अबाउट hair and makeup and skin all the time, you know, अच्छे कपड़े, but you have to be healthy from inside, right? अपने आप को diseases से दूर रखना is also, you know, something which is very mandatory and it personally मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ उस चीज़ का. और इसीलिए मैं ऐसा कुछ interesting ढूंढ भी रही थी and thanks to this product, this is Medioro. Now, you know, what I really like is कि इसके अंदर ना olive oil का use किया गया है, so which is very I would say not harmful to the skin. और सबसे interesting चीज़ ये भी है कि it is very easy to use. मतलब vaginal wash को use करना थोड़ा बहुत hassle मुझे personally लगता है, इसीलिए मैं prefer करती हूँ कि उसको once in a week use करूँ. But this is something you know which comes in a spray form. I mean look at this. And it has very mild fragrance. So fragrance का काम ही यही है कि जितना भी you know odor होता है body में हमारे specially intimate area में उसको न्यूट्रलाइज करता है. तो मेरा ना जॉब और मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे बहुत लंबे घंटों तक बैठ के काम करना पड़ता है लैपटॉप के सामने. सो आई पर्सनली थिंक दैट यू नो ड्यूरिंग माई पीरियड्स इट बिकम्स अ मेस फॉर मी बिकॉज आई हैव टू सिट एंड देन यू नो ऑब्वियसली यू हैव दिस फियर कि भाई इज इट स्मेलिंग बैड, देन यू बिकम रियली कंसर्न. बट अगर ये है एंड यू नो इट्स वेरी ईजी टू यूज़, आई कैन जस्ट गो टू द वॉशरूम, स्प्रे इट ऑन माई इंटीमेट एरिया, कम बैक एंड फील रिफ्रेश अगैन. अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही है. सो आई वुड से कि दिस इज़ अ मस्ट हैव. आई मीन सो कॉम्पैक्ट, मेरे पर्स में बहुत ईजिली फिट हो जाता है विदाउट लेटिंग द वर्ल्ड नो कि मैंने अपने बैग में कुछ डिफरेंट और कुछ यूनिक रखा हुआ है. एंड लेट्स फेस इट, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ. आई पर्सनली बिलीव हर लेडी डिजर्व करती है कि उसका इंटीमेट एरिया हेल्दी रहे, बिकॉज इफ आप हेल्दी हो तो यू नो यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर फैमिली. आई पर्सनली बिलीव दैट एक मैं अगर अपना खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो हु एल्स इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, राइट? सो एक अच्छी वॉश, अगर अब तक मैं बोलूँ कि मैं उसको इसीलिए भी यूज़ करना अवॉइड करती थी बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड सम डेज एज अ वुमन आई डोंट हैव टाइम एंड फॉर दैट आई वॉन्ट समथिंग जो क्विक है, ईजी है. और सिर्फ स्प्रे यू नो ये इस तरीके से ऐसे ये ओपन हो जाता है. आई लव द पैकेजिंग बाय द वे. और इस तरीके से स्प्रे करना है सो इट इज़ हार्डली टेकिंग एनी टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई कैन स्टिल हैव अ परफेक्टली फाइन इंटीमेट एरिया विच इज़ हेल्दी. मैं तो ये बोलूँगी कि इफ आई एम गोइंग ऑन अ स्पेशल डेट आई वुड लव टू हैव इट इन माई पर्स विदाउट फीलिंग शाय अबाउट इट बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर. वी नीड टू डिस्कस दीज थिंग्स सो दैट you know every woman is healthy. In fact you know whenever I'm using public washrooms I become very very conscious. Mujhe agar main bolu ki slightly OCD bhi hai to I don't mind calling myself you know suffering from OCD because let's face it public washrooms bilkul clean nahi hote and mere man mein hamesha fear rehta hai ki germs unhygienic you need to wash your hands. Aur aise bhi washing your hands wala culture to chal hi raha hai so why not wash your intimate area or probably clean your intimate area with something which is सुपर ट्रस्टवर्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है बिकॉज इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ किया गया है. सो आई नो बहुत माइल्ड है, फ्रेग्रेंस भी बहुत हल्की सी सटल सी है विच इज़ ओनली गोइंग टू न्यूट्रलाइज द बैड ओडर. दैट्स द बेस्ट थिंग. सो मुझे पीरियड्स में डर नहीं लगता है यू नो दैट आई एम स्मेलिंग बैड एंड आई पर्सनली नो दैट बैक्टीरिया इज गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम माई बॉडी. आई एम फीलिंग सुपर हेल्दी एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने कोई भी आउटफिट क्यों ना पहना हो, मेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पे आई रिमेंबर यू नो आई हैव दिस फियर बिकॉज बहुत सारे लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो उस टाइम पे यू हैव दिस फियर कि यू शुड नॉट स्मेल बैड, यू शुड नॉट स्मेल बैड. सो नाउ आई नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्मेल बैड. इन फैक्ट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई इंटीमेट एरिया टू. सो इफ यू आर ऑल्सो वरिड अबाउट योर इंटीमेट एरिया और प्रॉबेबली यू नो समवन एंड यू केयर फॉर योर लेडी लव देन आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन. एवरी वुमन शुड ओन इट, एवरी वुमन शुड हैव इट इन हर पर्स बाय ऑल मींस.